बात करेंगे कोरोना काल में हुए सियासी अजूबे की। जी हाँ, मायावती जो मुरीद हुई हैं, किसकी मुरीद हुई हैं? सीएम की। मायावती ने एक के बाद एक आज 3 ट्वीट किए जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की है। चलिए ये रिपोर्ट दिखाते हैं और देखिए कि कैसे कोरोना काल में ये सियासी अजूबा हुआ है। सोशल मीडिया पर सक्रिय रहने वाली बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने जौनपुर और आजमगढ़ में दलितों संग हुए अत्याचार पर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए सख्त तेवर दिखाए। मायावती के तेवर तो सख्त थे, लेकिन मुख्यमंत्री के काम की तारीफ कर उन्होंने नई बहस छेड़ दी है। हमेशा विरोधियों को आड़े हाथों लेने वाली मायावती के सुर आज बदले बदले से नजर आए। दलित उत्पीड़न की घटनाओं को लेकर आज मायावती ने ट्विटर पर एक के बाद एक 3 ट्वीट किए। उन्होंने लिखा कि यूपी में चाहे आजमगढ़, कानपुर या अन्य किसी भी जिले में, खासकर दलित बहन बेटी के साथ हुए उत्पीड़न का मामला हो या फिर अन्य किसी भी जाति और धर्म की बहन बेटी के साथ हुए उत्पीड़न का मामला, उसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। साथ ही इसके दोषी चाहे किसी भी धर्म, जाति और पार्टी के बड़े से बड़े नेता या कितने भी प्रभावशाली व्यक्ति क्यों ना हो, उनके विरुद्ध तुरंत सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। बीएसपी का यही कहना और सलाह भी है। खासकर अभी हाल ही में आजमगढ़ में दलित बेटी के साथ हुए उत्पीड़न के मामले में कार्रवाई को लेकर यूपी के मुख्यमंत्री देर आए पर दुरुस्त आए, ये अच्छी बात है, लेकिन बहन बेटियों के मामले में कार्रवाई आगे भी तुरंत और समय से हो तो बेहतर होगा। मायावती का सीएम योगी के प्रति ये बदला अंदाज सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। जौनपुर में दलितों के घर जलाने का मामला हो या आजमगढ़ में दलित बेटी के उत्पीड़न का, खुद को दलितों के मसीहा के तौर पर पेश करने वाली मायावती की चुप्पी पर सवाल उठ रहे थे। वहीं दूसरी ओर इन दोनों मामले में जिस तरह से सीएम ने कार्रवाई की उसकी तारीफ हो रही थी। मौके की नजाकत को समझते हुए मायावती ने सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए मुलायम रुख अपनाते हुए घटना पर तीखी प्रतिक्रिया दी। लेकिन सीएम के एक्शन की तारीफ कर मायावती ने अपनी चुप्पी पर उठ रहे सवालों पर विराम लगाने के साथ साथ वोट बैंक की सियासत को साधने की भरपूर कोशिश भी की। दरअसल आजमगढ़ में दलित किशोरी के साथ छेड़खानी के मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कड़ा रुख अपनाया है। इस मामले में अब तक 4 आरोपी समेत 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 7 फरार आरोपियों पर इनाम घोषित करने के साथ ही लापरवाह एसएचओ पर एक्शन का आदेश भी दिया गया है। आरोपियों पर तत्काल एनएसए लगाने के आदेश दिए गए हैं। देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि सीएम की तारीफ कर मायावती ने सियासी गलियारे में जो हलचल पैदा की है, दूसरी पार्टियां उसके क्या सियासी मायने निकालती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, A9 TV, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।